इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे लीनियर पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक 3D पार्ट जनरेट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच। रेक्टेंगल कमांड की मदद से फ्री हैंड एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इसे 3D पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें फीचर्स टूल लगाना होगा, तो फीचर्स पे क्लिक करें, एक्सट्रूडेड बॉस बेस और इसका थिकनेस 15 mm, एंटर कीजिए और ओके कीजिए। अब हम इसका फेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल व्यू। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ करेंगे। फ्यूचर्स एक्सट्रूडेड कट और इसे कीजिए थ्रू ऑल, ओके। अब हम यहाँ पे लीनियर पैटर्न यूज करेंगे। नॉर्मल व्यू कीजिए, फ्यूचर्स पे क्लिक करें। यहाँ पे लीनियर पैटर्न कमांड का आइकन दिया गया है, इसके नीचे इस एरो पे क्लिक करें और लीनियर पैटर्न पे क्लिक करें। लीनियर पैटर्न में डायरेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं, इसमें आप मैक्सिमम 2 डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन 1 वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए, तो हम ये डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, एक्स डायरेक्शन। स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस पे क्लिक रखें और स्पेसिंग में आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या नंबर ऑफ कॉपीज कि आप कितना इंस्टेंसेस पैटर्न करना चाहते हैं, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे पैटर्न करने के लिए फ्यूचर्स एंड फेसेस और बॉडीज दिया गया है, तो हम फ्यूचर्स एंड फेसेस सेलेक्ट करेंगे। तो इस बॉक्स में क्लिक करें और इस फ्यूचर्स टू पैटर्न वाले बॉक्स में क्लिक करें और इस एरो पे क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए कट एक्सट्रूड 1 और इसे ऊपर की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायमेंशन इंक्रीज करें, तो हम 20, 30, 40, 45 एंटर करेंगे। और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम इसे 3, 4, 5, 5 रखेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए सेलेक्टेड डायरेक्शन में लीनियर पैटर्न हो गया। नॉर्मल व्यू कीजिए, लीनियर पैटर्न 1 पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर कीजिए। अब हम दूसरे डायरेक्शन में पैटर्न करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्शन 2 वाले बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए डायरेक्शन, तो हम ये वाई डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे और इसे रिवर्स डायरेक्शन कीजिए। और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस इंक्रीज कीजिए, तो हम 2, 3, 4 और यहाँ पे स्पेसिंग का डायमेंशन इंक्रीज कीजिए, तो हम इंक्रीज करेंगे 20, 30, 40 तो हम
35 mm एंटर करेंगे, ओके कीजिए। तो ये देखिए दोनों सेलेक्टेड डायरेक्शन में लीनियर पैटर्न हो गया। इसे नॉर्मल व्यू कीजिए, लीनियर पैटर्न वन पे राइट क्लिक करें और एडिट फीचर, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इंस्टेंसेस टू स्किप में क्या होता है कि आप जो पैटर्न किए हैं उसमें से किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बॉक्स में क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए। तो ये देखिए जिसको हमने इंस्टेंसेस टू स्किप में सेलेक्ट किया था वो इंस्टेंसेस रिमूव हो गया। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।